मुजफ्फरनगर से अनीता जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैम जी। नमस्कार मैम। मैम नमस्ते सर जी। जय हिंद अनीता जी, स्वागत है आपका। सर मेरी मम्मी की समस्या है सर, 73 एज है उनकी और उनकी जो टॉयलेट के रास्ते मवाद जाती है और बुखार बना रहता है सर। और सर एक मेरे लड़के की समस्या है, उन्हें इंग्लिश दवाई एलर्जी करती है। उम्र कितनी है उनकी? 29। बच्चे की समस्या बताइए। दवाइयां बच्चे की समस्या ये है सर, वो इंग्लिश दवाई जैसे अंग्रेजी दवाई देते हैं, वैसे तो आप ही खिलाते हैं पर इंग्लिश दवाई भी देनी पड़ जाती है, तो उसे एलर्जी बताई डॉक्टर ने कि इंग्लिश दवाई से एलर्जी, कुछ दवाइयां उसे रिएक्शन करती हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, जिन लोगों को भी इंग्लिश दवाइयां रिएक्शन करती हैं तो ये आपकी और उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि उन रसायन का नाम, उन केमिकल का नाम लिख लें, उन दवाओं का नाम लिख कर अपने पास रखा करें। जब भी किसी डॉक्टर को आप नए डॉक्टर को दिखाएं तो पहले ये पर्चा दिखाओ कि आपको कौन कौन सी दवाइयां एलर्जी करती हैं, नुकसान करती हैं, उससे पहले आप दवा ना लिया करें। ये बच्चे, ऐसे बच्चे बहुत ख़तरे में होते हैं अगर उन्हें कोई रिएक्शन वाली दवा दे दे और बहुत बड़े रिएक्शन हो जाए तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। ठीक है। और जब भी डॉक्टर उनको दवा देंगे उसके बाद जब आप बता दिया करेंगे तो एंटी एलर्जी दवा साथ में देंगे, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और आपकी मम्मी के लिए नमक जैतून खरीद लीजिए असली, और दो चुटकी पानी में मिलाकर और एक चम्मच सौंफ खिलाकर उन्हें नमक जैतून पिलाइए तो आपकी मम्मी की समस्या भी हल होना मुमकिन है।